हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बना रही हूँ आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और गर्मी के सीज़न वाली सब्जी, हरे वाले कद्दू की सब्जी और कच्ची कैरी की खट्टी मीठी, जो भंडारे में बनती है स्पेशल और नवरात्रि स्पेशल सब्जी है। तो आप लोग कन्या भोज में सब्जी को ज़रूर ट्राई करना। तो उसके लिए मैंने ले लिया है कद्दू हरा वाला, और जिसको मैंने दो तीन बार धो लिया था। और ये है कच्ची कैरी, जिसके मैंने छिलके नहीं निकाले हैं। इस तरीके से मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया है, कद्दू के भी छिलके नहीं निकाले हैं, दोनों को मैंने धो लिया है। और अब मैंने रख दी है कढ़ाई, उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल, और कद्दू की सब्जी मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी लगती है। तो उसमें मैंने डाल दिए मेथी, हींग और तेज़पत्ता। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से चटकने के बाद जो कद्दू है उसको हम धो के ले लेंगे। और अगर आपके कद्दू का छिलका ग्रीन नहीं है, ख़राब सा अगर छिलका दिख रहा है, तो आप छिलके को उतार लें। और वैसे अगर छिलका सही है और एकदम ग्रीन सा दिख रहा है, तो आप इस सब्जी को छिलके के साथ ही बनाएं, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है इस सब्जी में। और 5 मिनट के लिए ऑयल में अच्छे से सब्जी को ढककर फ्राई कर लेना है। तो 5 मिनट बाद सब्जी को खोलकर देखिए आप, सब्जी का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है और अच्छी फ्राई की खुशबू आने लगती है। तो 2-3 मिनट तक आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे बेसिक मसाले, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अब हल्दी पाउडर, और उसके बाद ये है सूखा धनिया पाउडर। तो जितनी सब्जी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने मिर्च मसालों को कम ज़्यादा कर लें। और ये है लाल मिर्ची और नमक, सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। और इस तरीके से ही मसालों को मिक्स करना है, पानी डालकर आप मसाले मिक्स नहीं करें। इस तरीके से मसाले मिक्स करने पर ही बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और सारे मसालों को कद्दू के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। और आप देखेंगे कि सब्जी में हल्का हल्का सा पानी है, तो हम पानी को थोड़ा सा आगे और भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये कद्दू जो हम बना रहे हैं वो थोड़ा रसीला ही रहेगा। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। अगर आप गुड़ डालना चाहते हैं तो गुड़ ऐड कर लें, क्योंकि सब्जी हमारी खट्टी मीठी बनेगी, गुड़ के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको ढक के रख दूंगी मैं 5 मिनट के लिए। और उसको खोल के देखा मैंने, पानी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी मैं और ऐड करूंगी, जिससे कद्दू हमारा बहुत अच्छे से पक जाएगा और सब्जी एकदम हमारी रसेदार बढ़िया सी बन जाएगी। जिस तरीके से हम लोग भंडारे में खाते हैं, सेम वही सब्जी हम बना रहे हैं, और बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं बिल्कुल। तो ये सब्जी तो आप लोग नवरात्रों में ज़रूर ट्राई करना। और पानी थोड़ा सा कम हुआ तो उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें कच्ची कैरी, और ये अच्छी खट्टी वाली कैरी है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो मिठास में अगर आप गुड़ और शक्कर ले रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा ही लें, जिससे सब्जी ज़्यादा खट्टी ना लगे, मीठी भी लगे, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ढक के रख देंगे हम कच्ची कैरी डालने के बाद, और फिर इसको खोल के देखते हैं। तो पानी अभी भी है और कद्दू तो गल चुका है, लेकिन इसको आप थोड़ी देर के लिए और ढक के रख दें। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी लाल कश्मीरी मिर्ची, इससे जो सब्जी है हमारी उससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा सब्जी का। और ये है गरम मसाला। तो इन दोनों चीज़ों को आपको कम से कम सब्जी जब 80% तक कुक हो जाए उसके बाद डालना है। और ये है कसूरी मेथी, बस इन तीनों चीज़ों को भी अच्छे से कद्दू में मिक्स कर लेना है। और ये जो कश्मीरी मिर्ची है, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, हल्की सी तीखी होती है। तो आप इसकी चिंता ना करें कि सब्जी बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी, सब्जी तीखी नहीं होगी, कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए आप सब्जी का कलर कितना अच्छा हो गया, और सब्जी हमारी बन चुकी है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, और धनिए के साथ बहुत अच्छे से सब्जी को मिक्स कर देना है। अगर आप सब्जी को थोड़ा और सुखाना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर और रखें, वैसे तो सब्जी बन चुकी है और इसी तरीके की सब्जी हमको रखनी है। तो अब मैं आपको दे रही हूँ सर्व करके। तो आप देख सकते हैं कि सब्जी कितने अच्छे तरीके से पक गई है, और जो कद्दू हमने डाले हुए थे वो बिल्कुल भी गले नहीं है, और ग्रेवीदार सब्जी बन गई है। तो आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करना, बिना लहसुन प्याज की सब्जी है बिल्कुल भंडारे वाली। और नवरात्रों में
बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। कन्या भोज में भी आप इसको बना सकते हैं। और जो प्याज लहसुन नहीं खाता है उसके लिए तो ये सब्जी बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। तो अगर आप लोगों को मेरी हलवाई स्टाइल में हरे कद्दू की खट्टी मीठी कच्ची कैरी वाली सब्जी पसंद आई हो तो लाइक करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।